IPL 2022 का आगाज हो चुका है। इस बार IPL के लिए 10 टीमें मैदान में उतरेंगी। कौन है IPL टीम्स के असली ओनर, चलिए आज हम आपको बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। CSK की ओनर है चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जिसकी ओनरशिप इंडिया सीमेंट्स के पास है। ये कंपनी साल 2008 से ही टीम को ओन करती है। इस कंपनी के MD हैं N श्रीनिवासन। श्रीनिवासन ICC और BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये ही टीम का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। ये टीम चेन्नई तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करती है और इस टीम का होम ग्राउंड MA चिदम्बरम स्टेडियम है। अगली टीम है मुंबई इंडियंस और ये IPL की सबसे महंगी टीम है। इसकी ओनरशिप साल 2008 से ही मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, जिन्होंने इसे 2008 में 821 करोड़ रुपए में खरीदा था। उनकी पत्नी नीता अंबानी और बेटे आकाश अंबानी ही टीम का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। ये टीम महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है और इसका होम ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम। अगली टीम है KKR। कोलकाता नाइट राइडर्स के एक नहीं दो मालिक हैं और दोनों ही भारतीय कंपनियां हैं। पहले ओनर हैं शाहरुख खान, जिनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है इस टीम का 55% शेयर। वहीं इस टीम की दूसरी ओनर कंपनी है मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि टीम के 45% शेयर रखते हैं। इस कंपनी के मालिक हैं जय मेहता, जो कि अभिनेत्री जूही चावला के हस्बैंड हैं। अब बात करते हैं RCB की। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओनरशिप यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास है, जिसके MD और CEO हैं आनंद कृपालू, जिन्होंने इस टीम को साल 2008 में 819 करोड़ रुपए में खरीदा था। यह IPL की दूसरी सबसे महंगी टीम है। उस समय RCB के मालिक विजय माल्या हुआ करते थे। ये टीम बेंगलुरु कर्नाटका को रिप्रेजेंट करती है और इसका होम ग्राउंड है M चिन्नास्वामी। IPL 2022 में दो नई टीम भी आई हैं। पहली है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसकी ओनरशिप RPSG ग्रुप के पास है। इन्होंने इससे पहले भी IPL में अपनी किस्मत आजमाई थी। साल 2016 और 17 में ये ग्रुप राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को लेकर आई थी। इस टीम के लिए साल 2016 के कप्तान MS धोनी थे, जबकि 2017 में इसकी कप्तानी स्टीव स्मिथ ने की थी। इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी KL राहुल करेंगे। ये टीम लखनऊ उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड है BRSABV एकना क्रिकेट स्टेडियम। RPSG ग्रुप ने इस टीम को 7090 करोड़ रुपए की बड़ी रकम में खरीदा है। IPL की अगली नई टीम है गुजरात टाइटंस। ये गुजरात को रिप्रेजेंट करती है और इसका होम ग्राउंड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस टीम के कैप्टन है हार्दिक पांड्या। इस टीम को खरीदने के लिए CVC कैपिटल पार्टनर्स ने 5625 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नंबर 7 पर है दिल्ली कैपिटल्स। इस टीम की ओनरशिप फिलहाल दो कंपनियों JSW और JMR ग्रुप के पास है। 2008 में इस टीम को JMR ने अकेले खरीदा था, तब इसका नाम दिल्ली डेयर डेविल्स था। 2017 में 50% हिस्सा खरीदकर JSW ने इसकी ओनरशिप ले ली है। DC के डायरेक्टर पार्थ जिंदल हैं, जो कि नीलामी और टीम का मैनेजमेंट संभालते हैं। ये टीम दिल्ली सिटी को रिप्रेजेंट करती है और इसका होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम है। अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स। इस टीम के एक नहीं पांच ओनर हैं। पहली ओनर है टेस्को कंपनी। अमीषा हाथी रमानी के पास इस टीम के 44.2% शेयर हैं। टीम के दूसरे ओनर हैं इमर्जिंग मीडिया लिमिटेड के मनोज बटाले, जिनके पास 32.4% शेयर हैं। तीसरे ओनर हैं अमेरिकन बिजनेसमैन लेसलिन बुलडॉज, जो कि 11.7% की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं चौथे ओनर हैं बिजनेसमैन रियान, जिनके पास राजस्थान रॉयल्स की 8.7% की हिस्सेदारी है। और टीम के पांचवे पार्टनर हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉन, जिनके पास इस टीम की 3% की हिस्सेदारी है। इस टीम का होम ग्राउंड है सवाई मानसिंह और ये टीम राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है। अगली टीम है पंजाब किंग्स, जिसके चार ओनर हैं। पहले ओनर है डाबर के डायरेक्टर मोहित बर्मन, जिनके पास टीम की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 46% है। इसके बाद आते हैं वाडिया ग्रुप के मालिक नेस वाडिया, जिनके पास 23% के शेयर हैं। फिर इस टीम का चेहरा प्रीति जिंटा, इनके पास भी टीम के 23% शेयर हैं। वहीं इस टीम के चौथे ओनर हैं APJ सुंदर ग्रुप के करण पॉल, जिनके पास पंजाब किंग्स के 8% शेयर हैं। ये टीम पंजाब को रिप्रेजेंट करती है और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम इनका होम ग्राउंड है।
आईपीएल 2022 की आखिरी और दसवीं टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसकी ओनरशिप कलानी थी मारन के पास है। 2008 में इस टीम की ओनरशिप डेक्कन क्रॉनिकल लिमिटेड ने ली थी, तब इसका नाम डेक्कन चार्जर्स था। 2012 में टीम का नाम बदला और ये सनराइजर्स हैदराबाद हो गई। ये टीम तेलंगाना को रिप्रेजेंट करती है और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इसका होम ग्राउंड है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।